अच्छो अच्छो डीप डिस्कशन तो गाइस हमारे दूसरे ब्लॉग की स्टार्टिंग। इसमें सबसे पहले हम सबको बोलने गए थे बिंदौरी के लिए कि शाम को बिंदौरी है, उसमें आप सबको आना है। तो हम निकल पड़े थे, मेरी प्यारी सी ननद है दोनों और मैं स्कूटी चला रही हूँ। तो अब हम जाएंगे सबके घर पर, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, बस यही हम जाएंगे। सब लोग आ चुके थे यहाँ और हम रेडी। ये पहले हो गई थी, अब मैं बची थी क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम भी थे। तो अब मैं हो रही हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ अभी? वैसे दिख रही थी लेकिन बताना ये वाली ड्रेस हमें कैसी लगी। ठीक है, यहाँ देखो, ये है हमारी बुआ सास चाची सास, ये सामने इधर बच्चों का चल रहा है। वो मेरी सास से जो सूट पहन रखा है, उनकी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़े ऐसे ही है। यहाँ पे बच्चों के गेम चल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वेट हो रहा है अभी सबका, दूल्हे राजा का वेट हो रहा है। वो आएगा उसके बाद जाके मतलब बिंदौरी की प्रोसेस शुरू होगी। तो यहाँ पे ये आराम पर मारे सारे के सारे, ये देखो। और यहाँ चल रही है भाई इनकी पार्टी, अभी देखो ये क्या करेंगी। मैं पता है रेडी हो रही हूँ और सबको वेट हो रहा है डीजे का कि कब डीजे आया, कब हमारा नाचना शुरू हो। वैसे सबको डीजे डीजे के डीजे के बिना तो माहौल ही नहीं बनेगा। ये देखो, ये हमारे बाहर बैठे हमारे प्यारे प्यारे गाइस, हमारे बिंदौरा निकालने की प्रोसेस शुरू। तो आप सब तो जानते ही होंगे क्योंकि सबके घरों में निकालते हैं। ये है सामने दूल्हे राजा, ये इनके बिंदाग जी, ये इधर मेरी बुआ सास, ये प्यारे प्यारे देवर जी हैं। मैं इनके ना तिलक कर रही हूँ, अभी मौली बांधूंगी। ये जो गोमचा बोलते हैं ना, उसका दिया जलाया थाली में, मतलब जो भी रखते हैं सब। और ये वाली, अब ये प्रोसेस हो जाएगी ना, उसके बाद फिर हम निकलेंगे सीधा दूल्हे राजा के घर की ओर, है ना। अभी तो यहाँ पे इनको ऐसे होते कि पताशा खिलाना होता है, तिलक करना होता है, रोली बांधनी होती है। मेरे लिए ना ये सारी चीजें एकदम बहुत यूनिक और अलग थी क्योंकि मैंने पहली बार किसी का बिंदौरा निकाला है, उसमें मैंने खुद ने सारी प्रोसेस करी है। तो इसलिए मैं तो मतलब हर चीज को जानने के लिए एक्साइटेड थी। कैसे करते सारी चीजें बुआ जी से पूछ के कर रही थी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो मतलब अलग ही फीलिंग होती है ना जब पहली बार कुछ नया काम और कुछ अच्छा करते हैं। तो अब यहाँ पे इनकी मौली मौली बन रही है। ये सब होने के बाद ना बस फिर होगा हमारा धूम धड़ाका शुरू। मजा आएगा पूरी रात, देखते हैं पूरी रात तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि जो मेरा मेरे घर से मुझे जो दूल्हे राजा के घर पे जाना है ना वो बहुत दूर है। तो पूरे रास्ते डीजे के साथ नाचते ठुमकते ठुमकते जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने सारी प्रोसेस पूरी कर ली है उनको, अब निकलते हैं घर से। ये देखिए दूल्हे राजा जी चलने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पे डीजे का वेट हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि अंदर गांव में डीजे नहीं ले जाएंगे, रोड रोड सा चलेंगे। कैसा एटीट्यूड दिखा रहा है? इन्हें दर्जे गाड़ी में दूर की छोड़ दी है इधर पानी की रेत मांग या तो क्या कर दिया ना आर्टिस्ट को भी कम कर दिया डीजे जाने ना अरे यार यहाँ सबको डीजे का वेट हो रहा है क्योंकि डीजे वाले ने सच में बहुत टाइम लगा दिया, तो वो बेचारा कहीं पेट्रोल वेट्रोल भरवाने लग गया तो उसको टाइम लग गया था। तो सब डीजे का वेट कर रहे हैं और अब थोड़ी देर में ना मेरी क्लास शुरू होने वाली है। ये सारी ये बुआ है ना मेरी, ये मेरी टांग खींचने वाली है बुरी वाली, देखना भाई कि तेरा डीजे नहीं आया ऐसे ऐसे। सबके सब ना मेरे पीछे पड़ रहे, कब आएगा कब आएगा।
और अब ये देखना मेरी टांग खींचेंगे अब स्पेशली, ये देखो मेरे ऊपर सॉन्ग भी गाएंगे, ये देखना। कोई ना गुज्जा जो वही मैं प्रेजेंटिंग बाय कानाराम मेरा सॉन्ग रॉक स्टार डीजे किंग सिंगर वही अपना कानाराम बियाडवाल क्यों खड़ी वाले छोरे उसमें विशेष फोटो दिया है शंकर वैभव गांव देला इनके मोबाइल नंबर है 83 87 93 85 उनके ट्रैक्टर नंबर है RJ14UC4420 वो शंभु वैपलावत इनके मोबाइल नंबर है 89 49 76 03 10 छोरो रे शंकर होली रे खेल मिल कैला डली साड़े पहुंच चुके दुनिया चाचा के घर पे। तो यहाँ पे अभी एडजस्टिंग चल रही है डीजे को खड़ा करने की, तो अभी थोड़ा गाड़ी को पीछे लेके फिर डीजे को लाना आगे, क्योंकि अभी तो डीजे पे यहाँ भी नाचना होगा ना एकदम फुल। तो बस अब डीजे आगे आएगा और फिर जो दूल्हे चाचा गाड़ी के अंदर बैठे ना वो बाहर निकलेंगे और फिर होगी आगे की प्रोसेस शुरू जो भी होती है मुझे पता नहीं है, मैं बस पूछ के करूँगी। ये देखिए ये रहे हमारे दूल्हे चाचा गाड़ी में, अभी ये बाहर निकलेंगे फिर उसके बाद जो सामान रखा है पता से भागते हैं ना तो वो निकालेंगे और फिर चलेंगे इनके घर के अंदर।
प्यार की कहानी लिख दूं मेरा जोर पुरानी मेरा। सो हम जा रहे हैं अभी दूल्हे राजा को लेके उनके घर के अंदर। ये है गाइस इनका घर, दूल्हे राजा जी का, और ये इनके घर का देखो अंदर का व्यू है यहाँ से एंट्री लेके। और ये सामने इनका मंदिर है, तो यहाँ पे हमें इस थाली को रखना है और ढोक देनी है मंदिर में भगवान जी के आगे। और ऐसे होता है जो गेहूँ रखते हैं ना उनको 7 बार थाली में भर भर के और 7 बार नीचे निकालना होता है, तब जाके होती है विंदोरे की सारी प्रोसेस कंप्लीट। और जो पताशे होते हैं ना उनमें से पहले एक पताशा इधर चढ़ाना होता है, बस फिर हो गया हमारा काम पूरा। आज के विंदोरे की सारी प्रोसेस यहीं पे होती है हमारी ख़त्म। अभी ये थोड़ा कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद बस हम इनको यहाँ पे रख देंगे और मैं भी ढोक दूँगी अंदर, फिर हो जाएगा हमारा सारा आज का जो फंक्शन था उसका एंड। ये साइड में मेरी बुआ सास है, सबसे छोटी पीछे चाची सास है, और ये देवर जी है, और ये इनकी मम्मी है जो है ना पास, तो वो जो वहाँ पे कुछ कर रहे हैं है ना। तो बस अब यहाँ पे सारी खत्म प्रोसेस। यहाँ पे हमारा रात का नाम चलता रहेगा थोड़ी देर के लिए, हम डांस करेंगे बढ़िया खूब अच्छे से है ना सब लोग। तो बस ये हम इस ब्लॉग को यहीं पे फिर एंड करेंगे, फिर डांस होने के बाद हम सीधा जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि सारा प्रोसेस आज कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, और आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इसलिए हैप्पी एंड हेल्दी।